जब रिजल्ट्स हो दमदार तो सेलिब्रेशंस तो होनी ही चाहिए शानदार। एट कैमोइल टीवी टॉपर्स हमारा ये मानना है कि हम आपको आपका फुल पोटेंशियल अचीव करने में हेल्प आउट करें और ऐसी शानदार स्टोरीज आपके सामने, बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरीज आपके सामने लेकर के आते रहें। तो आज सेटअप देख करके तो समझ में आपको आ ही रहा होगा कि आज का दिन है बहुत कुछ खास और आज इंटरव्यू भी ऐसे ही बहुत ही खास एक हमारे टॉपर के साथ होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज हम इनवाइट करते हैं आज के हमारे टॉपर को। वेलकम टू कैमोइल टीवी टॉपर्स। सो सबसे पहले मुझे ये बताओ यार, हाउ इज दिस फीलिंग ऑन सच अ रिमार्केबल अचीवमेंट? काफी अच्छा लग रहा है। द वर्क दैट आई पुट इन ओवर द पास्ट 2 इयर्स, इट हैज फाइनली गिवन अ ग्रेट रिजल्ट एंड इट्स ट्रूली एन अमेजिंग फीलिंग। बहुत बढ़िया। तो आओ तुम्हारी जर्नी को जानते हैं, हमारी ऑडियंस तुमसे काफी कुछ सीखना चाहेगी, काफी कुछ समझना चाहेगी, लेकिन खड़े खड़े बात नहीं करेंगे, आराम से कैमोइल टी की सिप के साथ हम आगे की बातें करते। सो लेट्स हैव अ सीट एंड लेट्स, है ना, बात करते हैं आगे की। यार वत्स, अब आराम से बैठ गए, अब आगे की बातें यहाँ पर बैठ करके की जाएं। तो यार सबसे पहले मुझे ये बताओ कि हम आएंगे, सब बहुत सारे सवाल तुमसे पूछे होंगे, बट मैं फंडामेंटल जानना चाहता हूँ कि यही फील्ड क्यों, वाई ओनली मेडिसिन एज ए कैरियर? तो इनिशियली आई वॉज इंटरेस्टेड इन बायोलॉजी एंड मतलब पेरेंट्स का भी बहुत रोल था एंड माई एल्डर ब्रदर ऑल्सो हुज इन थर्ड ईयर ऑफ MBBS। तो उन्होंने बहुत मोटिवेट किया था मेरे को, बिकॉज दे ऑलवेज फेल्ट कि इफ आई हैड टू गो इनटू प्रोफेशन इट शुड बी वन इन विच आई कैन आल्सो हेल्प पीपल। ओके, सो हेल्पिंग पीपल इज द सोल रीजन यू चोज दिस पर्टिकुलर फील्ड? नॉट द सोल रीजन, बट यस इट वाज अ मेजर फैक्टर। ओके ग्रेट। सो अब आते हैं तुम्हारी प्रिपरेशन जर्नी के ऊपर। सो तुमने पहले अटेम्प्ट में 715 आउट ऑफ 720 स्कोर किया। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि घर वालों का क्या रिएक्शन था, टीचर्स का क्या रिएक्शन था, एक बार मैं उसको जानना चाहता हूँ कि अभी तक वो खुशी है ना आ पाई है कि अभी तक क्या चल रहा है? मतलब पर्सनली तो आई वॉजंट एबल टू बिलीव इट इनिशियली। घर वालों का दे वर शॉक्ड मोर देन एनीथिंग एंड टीचर्स ऑल्दो दे डिड एक्सपेक्टेड बिकॉज माई प्रिपरेशन वॉज आई वुड से वेरी गुड। So teachers did expect it, but at home nobody did, not my brother nor parents, even me for that matter. बहुत ही शानदार स्कोर है तुम्हारा और क्योंकि तुमने ये पहले अटेम्प्ट के साथ क्रैक किया है तो बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा अब हम आते हैं थोड़ा सा एकदम बैकड्रॉप पे चलते हैं। जब हम 9th, 10th से 11th में आते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा प्रिपरेशन में काफ़ी हद तक चेंजेस हमें खुद की देखने को मिलते हैं, बिकॉज 10th तक क्या है बहुत सॉर्टेड से रहता है, थोड़ा काफ़ी कैजुअल भी रह जाते हैं बच्चे, लेकिन 11th में आने के बाद इतना हेवीली कॉम्पिटिटिव माहौल देखने को मिलता है कि यार इतना तगड़ा कॉम्पिटिशन। एक बार सवाल तो मन में सबके आते हैं कि कैसे निकलेगा, क्या होगा, तो क्या ऐसी सिचुएशन तुम्हारे सामने कभी आई थी? हाँ आई थी। 10th में मैं उतनी तो पढ़ाई करता नहीं था, 11th में आके काफ़ी झटका लगा था बिकॉज सिलेबस इतना ज़्यादा हो जाता है तो इट फील्स लाइक ऑल ऑफ अ सडन यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। ऐसा होता नहीं है लेकिन मतलब वही बात है कि फीलिंग आती है कि 2 years ऑफ प्रेपरेशन यू हैव टू बी कंसिस्टेंट थ्रू आउट एंड इट गेट्स ओवरवेलमिंग अ लॉट ऑफ टाइम्स, है ना, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर सा भी महसूस होने लगता है बिल्कुल से। अच्छा अब हम 11th में पढ़ाई शुरू करते हैं, बच्चे ने नया नया पढ़ाई शुरू किया, बड़ा मज़ा आ रहा है उसको। अब उसने जब पढ़ना शुरू, जैसे बायोलॉजी पढ़ना शुरू किया तो उसमें खोसा जाता है, बहुत डिटेल्ड स्टडी पर चला जाता है। इसके चक्कर में क्या होता है, काफ़ी बार सब्जेक्ट मैनेजमेंट क्राइसिस होने लगता है कि ज़्यादा बायो पे ध्यान देने लगे क्योंकि बाय इंटरेस्ट हम चूज़ करते हैं, फिजिक्स में कम दे लिए, केमिस्ट्री में कम दे लिए, तो ये सिनेरियो क्या कभी तुम्हारे साथ आया? हाँ आया था, बट मैं पर्सनली फिजिक्स को ज़्यादा टाइम देता था बिकॉज पीपल हैड एडवाइज मी दैट फिजिक्स इज द सब्जेक्ट दैट गेट्स यू द रैंक, इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट, इट्स द हार्डेस्ट टू ग्रास्प एंड इट ऑल्सो at least in the higher ranks I would say it makes a great difference as to how you perform. So I gave less attention to biology in the beginning and chemistry also for that matter and spent more time on physics. Okay, maximum time tumne physics even though bio mere ko zyada interesting lagti thi us point pe. Acha, lekin tumne thoda sa rank matters wale zyada concept pe dhyan de liya, main ye kahunga. Theek hai, to ab tum subjects ki baatein start kar hi chuke ho to main pehle subject wise hi baatein kar leta hu.
तो फिजिक्स से ही शुरुआत करते हैं क्योंकि तुमने काफी अटेंशन दिया है। सो एक बार एकदम डिटेल में बताना हमारे को कि फिजिक्स को लेकर के क्या अप्रोच रखना चाहिए और तुम्हारा प्रिपरेशन का राज क्या। हाउ मच डिड यू सिक्योर इन फिजिक्स? आई स्कोर्ड 180 आउट ऑफ 180 फुल स्कोर था। तो अब तो और डिटेल में बताना कि ये फुल स्कोर भी कैसे लाते हैं। सो फिजिक्स में कॉन्सेप्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। 11th एंड 12th में जब टाइम काफी होता है तो कॉन्सेप्ट शुड बी फोकस्ड ऑन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस का भी वॉल्यूम काफी ज्यादा होना चाहिए आई वुड से। ओके। इनिशियली क्या हुआ था, मैंने थियरी बहुत हद तक निगलेक्ट कर दी थी जो एनसीईआरटी बुक्स हैं एंड इवन अदरवाइज जो थ्योरी क्वेश्चन आते थे वो आई वुड फोकस मोर ऑन न्यूमेरिकल्स। ओके। टुवर्ड्स द एंड आई डिड फिक्स दैट बिकॉज आजकल जैसे नीट का पैटर्न होता है उसमें थियोरेटिकल क्वेश्चंस प्ले अ मेजर रोल। राइट। तो या आई वुड से फॉर दैट एनसीईआरटी रीडिंग इज अ मस्ट। आई पर्सनली डिडंट डू मच ऑफ इट इन 11th बट टुवर्ड्स 12th आई डिड स्टार्ट टू डू इट एंड इट हेल्प्ड मी अ लॉट। So when I'm saying about NCRT reading, is it about 11th plus 12th की NCRT कि खाली 11th खाली 12th, किसको ज़्यादा emphasis तुमने दिया? 12th में theoretical portion आउट से ज़्यादा है तो emphasis पे ज़्यादा देना चाहिए but everything should be done, the theory from the text I mean, also the back exercises. Okay, अच्छा physics को लेके एक और चीज़ रहती है कि अगर मैं books की बात करता हूँ तो बुक्स में तुमने एनसीईआरटी तो एक रिकमेंड करी उसके साथ क्या यूरोडोव भी करना जरूरी है, क्या एचसी वर्मा तक भी जाना जरूरी है कि और भी और खतरनाक किताबों तक जाना जरूरी है? यूरोडोव तो मैंने कभी नहीं उठाई थी। एचसी वर्मा थ्योरी के लिए यूज की थी मैंने सर्टेन चैप्टर्स नॉट एवरीथिंग। आई बिलीव आई डिड इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पार्ट एंड सम ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फ्रॉम एचसी वर्मा। आई जस्ट रेड द थ्योरी नॉट द क्वेश्चंस। तो थ्योरी पार्ट के लिए तुमने मेनली उसके ऊपर ध्यान दिया। ठीक है, और प्रैक्टिस के लिए ऐसा तुमने क्या फॉलो किया? प्रैक्टिस के लिए मेनली कोचिंग मटीरियल एंड माई टीचर्स नोट्स, दे वर वेरी गुड एक्चुअली, आई वॉज लकी टू हैव दैट। ओके। हाँ, एंड आई ऑल्सो रेफर टू डी सी पांडे फॉर फिजिक्स, द जेई वर्जन नॉट द नीट वर्जन, द जेई वर्जन। ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन कि क्वेश्चन लेवल अच्छा है उसमें तो इन फॉर बिल्डिंग अ बेस एंड ऑल्सो गेटिंग सम पेरिफेरल नॉलेज इन द सब्जेक्ट, इट्स इंपॉर्टेंट आई वुड से। सो जेई की प्रिपरेशन बुक की मैं फोकस कर लेता हूँ, है ना? हाँ। कुछ अच्छा फिजिक्स को लेकर के तुम्हारे हिसाब से PYQs की क्या इंपॉर्टेंस रहती है? PYQs तो नीट में तो सबको पता ही है, PYQs काफी रिपीट होते हैं। हाँ, बिल्कुल से। तो मैंने आई थिंक एटलीस्ट 3-4 टाइम्स PYQs सारे सॉल्व किए थे। 3-4 टाइम्स। और कोई टाइम फ्रेम के लास्ट 10 साल 20 साल की 5 साल जनरली फिजिक्स में तो एज सच कितने भी कर सकते हो। बायो में वो आता है कि अर्लियर क्वेश्चंस आर आउटडेटेड, सो लेकिन हाँ there's no harm in doing PYQs of physics till at least 15-20 years, 15-20 years you would recommend. Okay, so PYQs ke liye koi si book follow kar sakte ho. To agar main physics ko suffice karta hu thoda sa to books mein NCERT hai na, thoda sa DC Pandey ki practice JEE wali maine follow hai na, tumne follow kiya exactly, tumhari journey hai. Uske baad hum baat karte hain HC Verma mein kuch portions ki theory ki baat karte hain, right? To ye tumne overall physics mein kiya. अच्छा फिजिक्स की तैयारी की मैं बात करता हूँ तो एक बार तुम्हारा अच्छे से थियोरी हो गया, कंसेप्ट क्लियर हो गए, तो उसके बाद जब तुम रिवीजन पे आते थे फिजिक्स का, सो हाउ वेर एबल टू रिवाइज द होल फिजिक्स अगर मैं कहूँ तो, अगर करना हो तुम्हें तो तुम क्या अप्रोच फॉलो करते थे रिवीजन में? लाइक जनरली मैं नोट्स अपने रिवाइज करता था, उसमें सारे फार्मूलाज की डेरिवेशंस एंड क्वेश्चंस उसमें जो दिए हुए थे and then I would go back to some questions that I had either marked ki I thought they were important or I didn't understand them or I had doubts in them, so I would solve those okay. many times. तो यार लेकिन notes में एक problem भी आती है ना कि हमने इतने सारे इतने bulky notes हो गए तो उसको revision में time भी तो काफ़ी लगता रहा होगा। हाँ तो फिर कैसे sort करते थे उसको यार? शॉर्ट नोट्स तो नहीं यूज़ किए थे मैंने, मैं वही नोट्स रिवाइज करता था डिपेंडिंग ऑन कितना टाइम था मेरे पास उस पॉइंट पे, या तो क्विक रिविजन करता था या फिर पूरा लेंथ में फिर से सॉल्व करके एंड डिराइव करके करता था। ओके अच्छा अगर तुम्हारे पास एक ऑप्शन हो कि फिजिक्स की मतलब एक बार रिविजन पे जाना है और प्रैक्टिस वर्सेज थियोरी को मैं स्प्लिट अप करता हूँ और अब पेपर को समझ लो फिजिक्स के पार्ट की बात करो, 4-5 महीने बचे हैं तुम्हारा सिलेबस कम्प्लीट है, सो तुमने क्या प्रेफर करा अपने प्रिपरेशन फ्रेम में कि रिवीजन वाया थियोरी मोर और वाया प्रैक्टिस खूब सारी प्रैक्टिस कर ली जाए? आई वुड से साइड बाय साइड थियोरी डेफिनेटली लास्ट 4-5 मंथ से मैंने ज्यादा पढ़ी थी बिकॉज़ थियोरी तुमने ज्यादा करी, यूजुअली लोग प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं लेकिन प्रैक्टिस मेरी इनिशियली इतनी हो गई थी कि आई डिडंट फील द नीड टू डू मोर ऑफ दैट टुवर्ड्स द एंड, बट आई सर्टनली फेल्ट दैट आई वाज लैकिंग इन द थियोरी पार्ट टुवर्ड्स द एंड, तो इसलिए मैंने उस पे ज्यादा फोकस किया था बिफोर द एग्जाम। ओके, बिफोर द एग्जाम थियोरी पार्ट वाज द प्राइम पार्ट। ओके ग्रेट। सो फिजिक्स को लेकर के काफी बातें करी, अब थोड़ा सा और भी सब्जेक्ट्स को ध्यान दे लेते हैं, आते हैं केमिस्ट्री के ऊपर। केमिस्ट्री को थोड़ा स्प्लिट अप करते हैं, केमिस्ट्री में स्कोर क्या रहा तुम्हारा? अगेन 180 आउट ऑफ 180। बायो में ही कटा है फिर, किसमें गलती हुई पहले बायो में ये बताओ, वो बोनस वाला क्या? नहीं नहीं, परमिएशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन था जूलॉजी में, इनटू और फ्रॉम वाला, तुमने एनसीईआरटी सेंट्रिक लगा दिया था। हां वो मतलब
ठीक है, आई स्टेटमेंट वाज अ बिट वियर्ड आई थॉट सो दैट्स ओके दैट कोई बात नहीं यार, इतना अच्छा स्कोर आगे हो रहा है। तो केमिस्ट्री पे आते हैं, केमिस्ट्री में विल स्टार्ट विद इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक को यार कैसे अप्रोच किया, सब परेशान रहते हैं और काफी सारे टॉपर्स से भी मैं बात करता तो वो भी परेशान रहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल लेते हैं। सो व्हाट वाज योर जुगाड़ फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री? तो इनऑर्गेनिक के साथ तो आई स्ट्रगल्ड अप अंटिल द वेरी एंड, आई वुड से अंटिल द लास्ट मंथ इवन। उसमें देयर इज नॉट मच यू कैन डू, यू हैव टू रिमेंबर इट। एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आते हैं तो वही याद करना जरूरी है। थोड़ा बहुत जहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज होता है वो कर लेना चाहिए, मतलब जितना हद तक हो सकता है, बट आफ्टर अ पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर द फैक्ट्स, इज नथिंग एल्स यू कैन डू अबाउट इट। सो यही तो प्रॉब्लम है यार, हाउ टू रिमेंबर द फैक्ट्स, इसके लिए तुमने क्या करा? बिकॉज देखो काफी लोग इस पे परेशान रहते हैं ना, काफी लोग टॉपर स्टॉक इसलिए खोजते हैं कि यार इसके पास कोई सीक्रेट स्ट्रेटजी होगी, इसने कुछ ऐसा बना लिया होगा कि सब याद हो गया होगा। सो व्हाट वाज योर सीक्रेट बिहाइंड रिमेंबरिंग ऑल ऑफ दिस? एक्चुअली कोई सीक्रेट तो था नहीं, मैंने आई थिंक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी एटलीस्ट 15 टाइम्स तो पढ़ी होगी इंटायर 2 ईयर्स में, नॉट एट द एंड ओनली। बट तो नंबर ऑफ रिविजन जैसे इंक्रीज करोगे तो उसी से होगा, आई डोंट थिंक देयर्स एनी अदर वे टू डू इनऑर्गेनिक, एटलीस्ट नन दैट आई फाउंड। तो ध्यान से सब लोग सुन लो यार, कोई खास सीक्रेट स्ट्रैटेजी नहीं है, बार 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 15 बार इसने एनसीईआरटी पढ़ी थी तो वही काम आता है। कुछ भी एनसीईआरटी के बाहर कहीं भी गए इनऑर्गेनिक? नहीं, इनऑर्गेनिक के लिए बिल्कुल बिल्कुल नहीं गए। ठीक है, अच्छा इनऑर्गेनिक में तो मेन तुमने रिविजन 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 की बात करी, प्रैक्टिस की क्या इंपॉर्टेंस है तुम्हारे हिसाब से? प्रैक्टिस में अगेन पीवाईक्यूज प्ले ग्रेट रोल इनऑर्गेनिक में, वो भी रिपीट होते ही हैं। And coaching material was the main source of practice questions me for inorganic. As such, inorganic में उतनी कुछ question practice की ज़रूरत पड़ती नहीं है, mainly organic और physical chemistry में ज़रूरत होती है, तो that was it. ओके, अच्छा इनऑर्गेनिक को लेकर के नोट्स बनाने को लेकर के कुछ खास अप्रोच बताओगे? क्योंकि मैंने काफ़ी बच्चों को देखा है एनसीईआरटी में साइड में लिख लेते हैं, उसी को रंग देते हैं, कुछ अलग से तुमने नोट्स बनाए थे इसके लिए इनऑर्गेनिक के लिए? नोट्स नहीं बनाए थे लेकिन मैंने चार्ट्स बनाए थे, थोड़ा इस पर एलैबोरेट करना। हाँ, लाइक एक चैप्टर लिया, उसके सारे जैसे रिएक्शंस मेरे को याद करने हैं तो आई वुड राइट देम डाउन ऑन पीस ऑफ पेपर एंड आई वुड स्टिक इट अप नेक्स्ट टू माय स्टडी टेबल। अच्छा, तो वही हर दिन देखते देखते धीरे धीरे सारे हो गए थे। हाँ, तो इससे तो बहुत सारे चार्ट बन गए होंगे फिर तो। हाँ, बन जाते हैं, तो जितना कंसाइज रख सकते हैं उतना रखना होता है। लाइक आई थिंक आई मेड सम 10 or 11 पेजेस। अच्छा, इनऑर्गेनिक के लिए स्पेसिफिक? ठीक है, नॉट ऑल चैप्टर्स ऑब्वियसली, कुछ कुछ चैप्टर्स होते हैं जो बहुत एक्सटेंसिव होते हैं, उनके लिए चार्ट्स बनाना आई डिडंट सी एज फीजिबल, तो आई डिडंट डू दैट। तो मोस्ट रेलेवेंट जो हम बोल रहे हैं most relevant. और ये टेक्निक मेरे हिसाब से लगभग आजकल मैं जितने लोगों की बात करता हूँ जनरल जुगाड़े सब फॉलो करते हैं कि दीवार पे चिपका लो, जितनी बार देखेंगे उतना अच्छा रिटेंशन रहेगा। बिल्कुल से ठीक है, तो इनऑर्गेनिक पे काफी अच्छे से हमने बात करी, अब आते हैं हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के ऊपर। सो व्हाट वाज योर अप्रोच इन फिजिकल केमिस्ट्री, स्टार्ट विद द बुक्स यू फॉलोड? फिजिकल केमिस्ट्री आई स्टडीड अ लॉट लाइक फिजिक्स, ओके, फर्स्ट थ्योरी एंड द कॉन्सेप्ट एंड देन क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस इज अ मेजर पार्ट ऑफ इट, उसमें कैलकुलेशन भी काफ़ी होती है और काफ़ी गंदी भी हो जाती है कई बार, काफ़ी बार फंस जाते हैं, फंस जाते हैं, तो उसके लिए तो अगेन यू हैव टू प्रैक्टिस लॉट ऑफ क्वेश्चन। आई फॉर फिजिकल केमिस्ट्री आई डिड मेनली माई कोचिंग मटीरियल, ओके, टीचर्स नोट्स अगेन एंड एंड एन अवस्थी द बुक कुछ फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स होते हैं जिनमें थ्योरी ज्यादा होती है तो उसमें नहीं करता था मैं, जिसमें न्यूमेरिकल ओरिएंटेड है उसमें तुम ज्यादा प्रैक्टिस एन अवस्थी से किया करते थे। हाँ, बट नॉट ऑल चैप्टर्स, नॉट ऑल द चैप्टर। ओके, सो फिजिकल केमिस्ट्री पर हमने देख लिया, बुक्स में एन अवस्थी रख लेता हूँ। एनसीईआरटी रीडिंग की क्या इंपॉर्टेंस है यार फिजिकल केमिस्ट्री में? एनसीईआरटी अगेन उसमें काफ़ी वो होते हैं, चार्ट्स एंड डेटा भी बहुत होता है फिजिकल केमिस्ट्री में जो कि पूछा जा सकता है। जनरली एज मच एज इनऑर्गेनिक नहीं पूछा जाता है, बट हाँ चांस तो रहता ही है, तो उसके भी मैं अगर ऐसा कुछ चार्ट था जो कि याद नहीं हो रहा था तो अगेन आई वुड कॉपी इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर और दीवार पे चिपका देता था। अच्छा, सो ये अल्टीमेट स्ट्रेटजी है, सारे लर्नर्स इसको फॉलो कर सकते हैं, लिखो और दीवार पे चिपका लो। काफी बार ये भी हो सकता है कि यार सभी कुछ भूल रहे हैं तो पूरे दिवाली चार्ट हो गई। हाँ, तो थोड़ा सा कंसाइज करना पड़ता है उसमें प्रायोरिटी बेसिस पे। राइट अपनी सब अलग अलग चीजें भूलते हैं ना, exactly. सबका अलग वीक पॉइंट है, सबका अलग स्ट्रेंथ है, तो अपने वीक पॉइंट को पकड़ के उसको लगाना बहुत जरूरी। ठीक है, अब हम आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस अप्रोच के साथ बताना, क्योंकि हम रिएक्शन मैकेनिज्म का एक एस्पेक्ट रखते हैं जो मेरे हिसाब से उतना ज्यादा डिटेल्ड चर्चा नहीं है एनसीईआरटी में उसके ऊपर, है ना उसके। लेकिन बिना उसको जाने अगर हम रिएक्शन सीधा करने बैठेंगे तो हमारे लिए बहुत हेक्टिक हो जाता है। तो व्हाट वाज योर अप्रोच टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन डिटेल प्लीज? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब
अगर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आएगी तो आई डोंट थिंक कि मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होने वाली है. राइट. तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी एंड रिएक्शन मैकेनिज्म्स भी मैंने सारे ऑलमोस्ट ट्राई किए थे जितने हो पाते थे. कुछ बहुत आउट ऑफ लिमिट जाते थे तो वो मैं रिएक्शन डायरेक्टली याद कर लेता था, बट जहाँ तक हो पाते थे आई वुड स्टडी द मैकेनिज्म्स आल्सो. कोशिश पूरी रही वो करने की. मैकेनिज्म्स कहाँ से पढ़ रहे थे, कोई स्पेसिफिक बुक फॉलो कर रहे थे? नहीं, टीचर्स ही बताते थे. जो टीचर्स ने मैकेनिज्म डिस्कस किया वही रखा, तो वही टीचर से इंटरेक्शन उसी, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशली काफी इंपॉर्टेंट होती थी उस पॉइंट पे. हाँ हाँ हाँ, काफी. और हम नया नया पढ़ रहे होते हैं तो काफी बार ये भी लगता है यहाँ से यहाँ कैसे चला गया. हाँ एग्जैक्टली, फसान भी आती है काफी बार. ठीक है, कोई प्रैक्टिस को लेकर के रिकमेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आई डिड एमएस चौहान. एमएस चौहान प्रैक्टिस क्वेश्चंस. ठीक है, अदर चैप्टर्स वर अ बिट एक्सेस, आई थॉट आउट ऑफ सिलेबस आई वुड से, तो उसके लिए नहीं किया था मैंने, बट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत बेनिफिशियल थी वो. ठीक है, जीओसी के लिए एमएस चौहान. हाँ, थोड़ा उसका भी लिमिट से बाहर चली जाती है वो, बट बेनिफिशियल रहता है थोड़ी सी पेरिफेरल नॉलेज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आई वुड से इज गुड. तो ऑर्गेनिक को लेकर के, अच्छा ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी रीडिंग और इसको लेकर के क्या अप्रोच रहा तुम्हारा, कि बुक रीडिंग में क्या कोचिंग मटेरियल फॉलो कर रहे थे, नोट्स फॉलो कर रहे थे, कि एनसीईआरटी क्या, मतलब बेस क्या था तुम्हारा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी इज इक्वली एज इम्पॉर्टेंट एज इनऑर्गेनिक. डेफिनेटली उतना याद करने का नहीं होता है, बट हाँ जहाँ तक पॉइंट्स है, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफन पूछ देते हैं, जैसे चैप्टर्स एल्डिहाइड कीटोन्स, एंड इस साल भी क्वेश्चन आया था, तो वो एनसीईआरटी से पढ़ना बहुत ज़रूरी है. ओके, लाइन टू लाइन गो थ्रू करना, लाइन टू लाइन अगेन फिर से बहुत है. तो मेरे हिसाब से सभी सब्जेक्ट में हो ही गई है ना. हाँ, हो ही बिना एनसीईआरटी का मूवी नहीं कर सकते नहीं, आगे नीट में. ठीक है, तो ऑर्गेनिक को लेकर के भी हमने अप्रोच देखा. अच्छा, इनमें केमिस्ट्री में एज इन पीवाई क्यूज को लेकर के कोई बुक फॉलो करी तुमने, कि इन जनरल कोचिंग के मॉड्यूल में जो पीवाई क्यूज होते हैं उनके साथ? जनरल कोचिंग मॉड्यूल में जो वही सच, कोई अलग बुक नहीं देखी थी मैंने पीवाई क्यूज की. अच्छा ओके, सो अब थोड़ा आगे बढ़ा जाए, और अब हर नीट एस्पिरेंट के मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट जिसके लिए लोग है ना इस फील्ड को ऑप्ट करते हैं, बायोलॉजी पर चलते हैं. सो बायोलॉजी को मैं स्प्लिट अप करता हूँ, सबसे पहले कंसेप्चुअल पार्ट और रटने वाला पार्ट. ठीक है, रटने वाला पार्ट जिसमें तुम्हारे मॉर्फोलॉजी के एग्जांपल हो गए, एनिमल किंगडम के एग्जांपल हो गए, इकोसिस्टम इकोलॉजी, फूड प्रोडक्शन के एग्जांपल हो गए, तो ये वाले पार्ट. और एक कंसेप्चुअल जिसमें तुम्हारा रिप्रोडक्शन हो गया, जेनेटिक्स हो गया, फिजियोलॉजी में प्रोसेसेस वगैरह हो गए. सो पहले तो रटने वाले का अप्रोच बताया, क्योंकि याद होने में तो बहुत दुख दर्द आता है सबको. हाँ, सो व्हाट वाज योर अप्रोच टू फिक्स इट? तो रटने वाले पार्ट में भी पहले तो समझना ही होता है. हाँ, बेसिक्स अगर पता होता है तो रटना थोड़ा सा आसान हो जाता है. हाँ राइट, जैसे कि मॉर्फोलॉजी का एग्जांपल. हाँ, दिया तो उसमें एग्जांपल्स रटने का तो और कोई उपाय तो मेरे को तो नहीं मिला था. आई हैड टू रीड इट अगेन एंड अगेन, और अगेन वही चार्ट्स वाली टेक्निक. अच्छा, उससे काफ़ी बेनिफिट हुआ था. एंड एज फार एज कंसेप्चुअल पार्ट इज कंसर्न्ड, इवन जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन में काफ़ी याद करना होता है, रहता है डेटा. हाँ, लाइन टू लाइन उसमें क्वेश्चंस आते हैं, और कुछ चीज़ें कॉन्ट्रोवर्शियल भी होती हैं एनसीईआरटी में, जो थोड़े डिस्क्रिप्शनरी टाइप से लिखा हुआ है, उसको भी याद करना इंपॉर्टेंट होता है आई वुड से. जैसे एनसीईआरटी कुछ ओपन एंडेड छोड़ देती है, ओपन एंडेड छोड़ है ना, इटैलिक्स में देखे क्वेश्चन मार्क है ना. हाँ, कि हाँ ये क्या चलेगा, और उस पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं नीट में. बिल्कुल राइट. अच्छा ठीक है, तो बायोलॉजी में ये बताओ यार, एनसीईआरटी सेंट्रिक रहे कि यहाँ वहाँ भी घूम रहे थे काफी एनसीईआरटी के बाहर? क्योंकि जैसे मान लो मैं ह्यूमन फिजियो की ही बात करूँ, काफी लोग काफी ज्यादा डिटेल में चले जाते हैं, तो तुमने क्या ऐसा कुछ करा था कि सेंट्रिक रहे थे? नहीं, मैंने डेफिनेटली डिटेल में गया था, डिपेंडिंग अपॉन द चैप्टर. जैसे हाँ, आपने बोला ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, रिप्रोडक्शन ऑल्सो. हाँ, उसमें नीट में भी कभी कभी आ जाते हैं क्वेश्चंस आउट ऑफ एनसीईआरटी, तो उसके लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है. राइट, बट चैप्टर्स लाइक मॉर्फोलॉजी, प्लांट एनाटॉमी एंड एनिमल हस्बेंड्री, आई वुड से एनसीईआरटी इज इनफ. हाँ, डेफिनेटली अगर टाइम है तो उनमें भी जाया जा सकता है, आउट मतलब आउट ऑफ सिलेबस इवन, क्योंकि पेरिफेरल नॉलेज इज गुड. बट अगर टाइम नहीं है, जैसे लास्ट फ्यू मंथ्स हैं, देन इट्स बेटर टू फोकस ऑन एनसीईआरटी. ओके, सो मतलब हम कुछ चैप्टर्स में बाहर तक जा सकते हैं, जैसे फिजियो, बिकॉज देखो काफ़ी बार ये भी है ना कि अगर एनसीईआरटी में कुछ लिखा है तो वो आउट ऑफ द बॉक्स कहीं से बीच में लाइन आ गई, उसको समझने के लिए उसकी जो बैक नॉलेज है वो नहीं दे रखी है. Definitely. और उसकी आगे की कहानी नहीं दे रखी, तो हमें जानना पड़ता है. Definitely. लेकिन अगर हम सब में ये करने लगेंगे तो फिर गंदा वाला फंस जाएंगे. बिल्कुल है ना, तो एनसीईआरटी सेंट्रिक. और जो बाहर के मटेरियल के लिए क्लासेस को फॉलो क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे? कोचिंग मॉड्यूल्स अगेन बाहर वाले मटेरियल के लिए जो टीचर्स बताते थे वही मेनली मैं पढ़ता था. दोज वर अगेन बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पहले क्या आया हुआ है आउट ऑफ एनसीईआरटी. एज सच तो कोई प्रिडिक्ट करने का तरीका तो है नहीं कि आउट ऑफ एनसीईआरटी क्या आएगा. हाँ, तो इट्स बेटर टू स्टिक विद द मटेरियल दैट यू हैव.
अगर ये सोचने लगो कि ये भी आ सकता है वो भी आ सकता है तो उसकी तो कोई एंड नहीं होगी, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है ना, पूरे प्रिपरेशन में हम इसी में परेशान रह जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा प्रैक्टिस को लेकर के इसमें तुमने क्या फॉलोअप किया बायोलॉजी में? प्रैक्टिस के लिए दिस अगेन कोचिंग मटेरियल एज सच बायो में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस की ज़रूरत होती नहीं है। आई फेल्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, आई डिड अप टिल 15 टू 20 इयर्स एट लीस्ट, तो हाँ दैट्स अ वेरी मेजर पार्ट। 20 साल में लेकिन ये भी इशू आया होगा ना कि जैसे मान लो 2002-03 के आसपास जाओगे तो काफ़ी जो अभी करंट में नहीं है उस सिलेबस के हिसाब से भी क्वेश्चन रहे होंगे। हाँ होता है, तो अगेन लाइक चैप्टर्स लाइक एनिमल किंगडम जो कि जिसमें पहले बहुत अजीब से क्वेश्चन आते थे और अब नहीं आते, अब नहीं आते, उनमें वो 2005 से पहले वाले स्किप भी कर सकते हैं। राइट, बट चैप्टर्स लाइक जेनेटिक्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जो है उनमें तो किए थे मैंने और वो काफ़ी बेनिफिशियल थे, कर लेना बेटर रहेगा। वही एक्स्ट्रा नॉलेज जो आ जाती है उससे हाँ प्रैक्टिस, लेकिन उसमें हमें यहाँ पर लिमिट करना सीखना होगा कि चैप्टर कौन सा है। बिल्कुल राइट, वो अगर उस हिसाब से है तो हमें डिटेल में जाना है, अदरवाइज नहीं जाना है। ठीक है, तो बायोलॉजी को लेकर के ये अप्रोच रहा। अच्छा जैसे मैंने फिजिक्स में तुमसे पूछा कि अगर तुम्हें रिवाइज करना हो तो तुम किसको ज़्यादा टाइम दोगे, थ्योरी वर्सेस प्रैक्टिस, तुमने लास्ट फिल्म में बताया थ्योरी, सेम केमिस्ट्री को लेकर के भी बताओ। केमिस्ट्री में लाइक आई सेड लास्ट में आई अटेम्प्टेड मेनी मॉक टेस्ट, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो वैसे ही हो जाती थी और वो भी टाइम्ड। सो अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड स्टडी मेनली थ्योरी, जो रटने वाला पोर्शन था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, एंड थोड़ा बहुत जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है फिजिकल केमिस्ट्री में याद करने वाली चीज़ें आती है वही मेनली मैंने की थी एंड में। ओके सो अगर मैं इसी तरह आता हूँ बायोलॉजी के ऊपर, सो बायोलॉजी में अगर मैं तुम्हें रिविजन का टाइम फ्रेम पेपर से 4-5 महीने पहले जब तुम्हारा सिलेबस हो चुका है फिर से, तो तुम थ्योरी वर्सेज प्रैक्टिस कहाँ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे होते हो? थ्योरी मेनली बिकॉज क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मॉक टेस्ट से हो जाती थी। ठीक है, हाँ तो आई वुड कम बैक एंड रिवाइज माई नोट्स दैट सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स दैट आई हैव रिटन डाउन, एंड एनसीईआरटी अगेन इन द लास्ट आई थिंक 4-5 months आई रेड द एंटायर एनसीईआरटी 2 or 3 times लास्ट 4-5 months की बात करूँ। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। नोट मेकिंग में कोई खास तरीका? हाँ अगेन मैंने एनसीईआरटी के ही नोट्स बनाए थे, एक्स्ट्रा पॉइंट्स के अलग थे और एनसीईआरटी के अलग थे, जो कुछ लाइनें मेरे को लगती थी कि आ सकती है एग्जाम में या थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है वो मैं लिख लेता था साइड में और उसको मैंने 3-4 बार पढ़ा था उससे वो सारा याद हो गया था, एंड चैप्टर्स का भी ओवरऑल व्यू एक तरीके से आ जाता था क्विक रिविजन में। ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट। इसके बाद मैं थोड़ा सा और तुम्हें आगे लेकर के चलूँगा क्योंकि तुमने मॉक टेस्ट के बारे में बात करी और तुमने 715 भी स्कोर करा, मेरे हिसाब से इस बार शायद 4 टॉपर्स हैं और सबके सेम ही स्कोर है 1, 2, 3, 4, 7, 1, 5 राइट। सो अब मुझे ये बताओ यार मॉक टेस्ट में सबसे पहले तुम्हारा लोवेस्ट स्कोर कितना रहा पूरे प्रिपरेशन टाइम फ्रेम में? फ्रॉम 11th पूरा कंप्लीट टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूँ तो थिंक समवेयर अराउंड 620 और समथिंग। सो काफ़ी बार ये होता है ना कि हम मान लो जैसे मान लो सबके लिए डिफरेंट रहता है ये चीज़ कि किसी में 650 आ रहे उसके लिए वो बड़ी बात है, अगर उसका 550 गिरता है तो उसे बुरा लगता है ना, किसी के 400 भी गिर जाते हैं। अब तुम्हारा अगर अच्छा चल रहा हो तो उसमें 600 गिरे तो ख़राब लगता है, तो ये जो अपना एक फेज़ चलता है ना अप्स एंड डाउन जो साइनोसोइडल कर्व चलता है हमारे प्रिपरेशन में, इसमें जब हम डाउन पार्ट पे रहते हैं तो हम थोड़ा परेशानी तो आती है, डीमोटिवेटेड लगता है, बाजू वाले के ज़्यादा नंबर आ जाए है ना, घर से भी कोई बोलता है यार अब की क्या हो गया तुम्हें टेस्ट में, तो ऐसी सिचुएशन तुम्हारे साथ आई थी क्या? हाँ बिल्कुल आई थी। अब इसको सॉर्ट कैसे किया तुमने सिचुएशन को? तो पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा था तो वो काफ़ी मेरे को मोटिवेटेड रखते थे। जब ऐसा कोई टाइम आता था तो आई वुड सेट स्मॉल गोल्स फॉर माय सेल्फ कि फर्स्ट आई हैड टू फाइंड आउट कि कहाँ पे गलती आ रही है, कोई प्रैक्टिस में प्रॉब्लम है या थियरी में प्रॉब्लम है या फिर माइंडसेट में कोई प्रॉब्लम है, तो आई वुड हैव टू चेंज दैट, एंड स्मॉल गोल सेट करते करते आई वुड ब्रिंग इट अप अगेन। ओके नाउ जस्ट बिकॉज थोड़ा एलैबोरेट करोगे हमारे लर्नर्स के लिए स्मॉल गोल सेटिंग को लेकर? हाँ, जैसे इफ आई फेल्ट कि आई वॉज लैकिंग इन फिजिक्स देन आई वुड कीप माई टोटल स्टडी टाइम द सेम बट increase my physics focus a bit more. Okay. Like I would say cut down the time that I spent on biology and give it to physics or vice versa if I was scoring less in bio. ठीक है, तो तुमने time expenditure को split up कर दिया accordingly based upon the feedback of test. Okay. ठीक है, अब test दे रहे हैं तो काफ़ी बार हम गलतियां करते हैं, हम काफ़ी बार सिली मिस्टेक्स करते हैं, क्वेश्चंस को ओवर रीड कर जाते हैं है ना, कि कभी नॉट नहीं दिखता, कभी विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट की जगह इनकरेक्ट लगाते हैं है ना,
तो ऐसे क्वेश्चंस में काफी सिली मिस्टेक्स होती हैं, तो पहले तो तुम मुझे सिली मिस्टेक्स के बारे में हम बात करते हैं, उसके बाद हम आएंगे कंसेप्चुअल मिस्टेक्स की तरफ। दोनों को सॉर्ट के काफी लोग पूछते हैं, तुमसे भी पूछते होंगे कि हाउ टू फिक्स सिली मिस्टेक्स, मेरी बहुत सिली मिस्टेक हो रही है तैयारी के टाइम में। क्लासेस जाते रहोगे तो बच्चे भी पूछते होंगे कि मेरा सिली मिस्टेक बहुत हो रहा है, तो तुम्हारे साथ सिली मिस्टेक्स होते थे? बिल्कुल होते थे, इनफैक्ट बहुत होते थे, स्पेशली बिगिनिंग में तो आई वुड गेट सो डीमोटिवेटेड बाय द सिली मिस्टेक्स। उसमें एक बात थी जो कि मैंने मतलब इट वाज अ थिंग दैट आई हैड मेस्ड अप ऑन, कि जो लगती हैं कि सिली मिस्टेक्स है लेकिन एक्चुअली उनका कुछ और बेसिस होता है। इस पे एलैबोरेट करना, कि कहीं पे प्रैक्टिस कम है या कहीं पे थ्योरी लैकिंग है, तो ऑफन यू थिंक दैट दे आर सिली मिस्टेक्स बट एक्चुअली देयर इज अ रीजन टू इट ऑल। ओके, जब वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती है तो सिली मिस्टेक्स जो पहले 6, 7, या 10 होती थी वो 1 या 2 रह जाती हैं। अच्छा, अब जैसे इसमें बताओ गलतियां तुमने कैसे पकड़ी और क्या गलतियां पकड़ी, अब तो बता ही सकते हो, अब पेपर हो गया। तो काफ़ी अपने आप से ब्रूटली वो ऑनेस्ट होना पड़ता है कि क्योंकि इट्स ऑफन ईजियर टू एडमिट कि हाँ सिली मिस्टेक होगी रादर देन थिंक कि देयर समथिंग रॉन्ग विद माय प्रिपरेशन। राइट, क्योंकि प्रेशर इतना होता है तो इट्स डिफिकल्ट टू एडमिट दैट। I thought long and hard about what I was doing wrong. Often कि मेरी होती थी 6 या 7 सिली मिस्टेक हो गई या ज़्यादा भी हो जाती थी। Then I realized कि वो 6 या 7 में actually सिली मिस्टेक्स जो हैं वो 3 या 4 ही हैं और जो रेस्ट हैं वो कुछ कहीं ना कहीं लैकिंग है मेरे सब्जेक्ट नॉलेज में या तो फिर माइंड सेट में या फिर प्रैक्टिस में। Then I would fix that and उससे towards the end at least मेरे को बहुत बेनिफिट हुआ था। राइट, मेरे हिसाब से चीज़ें एक्सेप्टेंस, क्योंकि काफ़ी बार हम मानने को तैयार नहीं होते कि हमारे से ये गलती हो गई पढ़ने के बाद। राइट, ये वाली बात होती है और जितनी जल्दी हम इसको एक्सेप्ट करेंगे उतना ज़्यादा और उतना जल्दी हम इसको इम्प्रूव करेंगे। डेफिनेटली, ठीक है, तो ये गलतियों को पकड़ने की बात हुई। कंसेप्चुअल गलतियाँ भी होती रही होंगी? बिल्कुल होती है, ऐसा काफ़ी बच्चे करते हैं प्रिपरेशन टाइम फ्रेम में कि मान लो ये कोई कंसेप्चुअल गलत हो गया, मैग्नेटिज्म का एक क्वेश्चन गलत हो गया, तो वो पूरा चैप्टर बैठ के फिर से पढ़ने लग जाते हैं। ऐसा कभी तुमने अप्रोच फॉलो किया गया कि क्या करते थे एक गिवन टॉपिक के क्वेश्चन में गलती हुई तो? पूरा चैप्टर अगर एक टॉपिक में गलत क्वेश्चन गलत होने से पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो फिर बहुत कम टाइम पड़ जाएगा और चीज़ करने के लिए। तो आई वुड से कि जो जहाँ गलती हुई है वो टॉपिक रिवाइज करो एंड आसपास की थोड़ी बहुत रिवाइज कर लो जो कि लगता है कि आगे गलती हो सकती है या फिर मतलब थोड़ी सी डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं। बट एज सच पूरा चैप्टर अगर रिवाइज करने बैठ जाएंगे हर गलती पे तो टाइम हो चुका है प्रिपरेशन, अगर मैं सीधे सीधे भाषा में कहूँ तो। बिल्कुल सही, ठीक है। अच्छा, अब हम मॉक टेस्ट पे रहते हैं और मॉक टेस्ट पे एक पॉइंट पर आते हैं कि मान लो हमने पेपर देना शुरू किया, हमने मान लो फिजिक्स से स्टार्ट किया, फिजिक्स सेक्शन पे आए, ठीक है। तो ऐसा हुआ मान लो, और काफ़ी बच्चों के साथ ऐसा होता भी है कि हमने स्टार्ट किया, हमारा पहला क्वेश्चन बन गया, दूसरा स्ट्राइक नहीं कर रहा, ठीक है, तीसरे पर आए अलग ही लेवल का क्वेश्चन आ गया है, चौथा भी नेक्स्ट लेवल हो चुका है, तो ये चौथे क्वेश्चन तक आते आते हमारा मोटिवेशन कॉन्फिडेंस एकदम डाउनफॉल पे जा चुका होता है। क्या ऐसी सिचुएशन तुम्हारे साथ कभी आई? हाँ, आई थी, इनफैक्ट एक्चुअल नीट एग्जाम में भी आई थी। अच्छा, एक्चुअल नीट में हो गया था। अब मुझे ये बताओ यार, यहाँ से आगे बढ़े, जो बढ़ गया वही जीतेगा, सीधी सी बात, तो ये तुमने कैसे मैनेज किया यार? जैसे मेरे साथ क्या हुआ था नीट एग्जाम में, बिकॉज बायो एंड केमिस्ट्री आई फाउंड वर प्रीटी डिफिकल्ट, जब फिजिक्स में पेपर भी आया था, हाँ, तो फिजिक्स तक जब आया तो काफ़ी मतलब डीमोटिवेट हो गया था एंड स्ट्रेस बहुत हो रही थी। तो पहला ही क्वेश्चन मैंने देखा, वैसे तो सिंपल क्वेश्चन था बट मैंने देखा और मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने तब उस पॉइंट पे डिसाइड किया, हाँ, बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। फिर मैंने उस टाइम पे डिसाइड किया कि अब जो होएगा तो होएगा, बट आई नीड टू डू द बेस्ट दैट आई कैन। तो आई वेंट अहेड एंड उसके आगे वाले जो क्वेश्चन थे वो थैंकफुली ईजियर थे। तो हाँ, दैट्स व्हाट आई वुड सजेस्ट, कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है कि नहीं बन रहा है, जस्ट मूव ऑन अहेड एंड डू व्हाट यू कैन द फर्स्ट राउंड, यू कैन ऑलवेज कम बैक टू दोस क्वेश्चंस लेटर। और सेकंड टाइम जब आते हो तो मोर ऑफन नॉट वो हो ही जाता है, हाँ, जब थोड़ा सा लगता है कि हाँ इतने क्वेश्चन तो मैंने कर लिए, इतने मार्क्स तो हाथ में आ गए हैं। राइट, एक बार कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए तो वो जहाँ अटके, मतलब बेस्ट है कि रुकना नहीं है। हाँ, काफ़ी बार ये होता है ना, बहुत पढ़ाई कर लेते हैं तो वो होता है दिल पे लग जाता है कि यार हमने इतना पढ़ा, ये क्वेश्चन कैसे नहीं बन रहा, है ना, ये वाली चीज़ होती है। मॉक टेस्ट में होता था तुम्हारे साथ? बिल्कुल होता। इस चक्कर में कभी नंबर डूबे हैं कि नहीं, सही सही बताना? हाँ, हुए हैं काफ़ी बार, रहता है। बिकॉज मेरा जो एग्जाम अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी थी वो मिनट टू मिनट आई हैड टू फॉलो बिकॉज इट वाज वेरी टाइटली पैक्ड। एज इन, प्लीज एलैबोरेट। Like I would do bio generally in half an hour. Achha. And chemistry in 20 minutes. Physics, 20 minutes mein chemistry kar rahe the. First round. Okay, first round. ठीक है। I two round strategy thi meri. Achha. And then physics in 40-45 minutes, however much, until 1.5 hours mein ek baar kar leta tha paper. Achha. Because
मेरा अटेंशन स्पैन थोड़ा सा कम था, तो आई वुड ट्राई कि डेढ़ घंटे में पूरा हो जाए और फिर रिवाइज कर लूँ. जो गलतियाँ होती थी उससे अच्छा. वो पकड़ा जाती थी. जनरली फर्स्ट राउंड में 3 या 4 गलतियाँ तो हो ही जाती थी. हाँ, इस पे हमारे ऑडियंस के लिए ये एलाबोरेट करो कि तुमने बोला 2 राउंड में पेपर तुम कर रहे हो, सो वॉट वॉज द बेसिस कि पहले राउंड में क्या करना है, दूसरे राउंड में क्या करना है, पहले राउंड का फ्लो क्या रखना है, दूसरे राउंड का क्या फ्लो रखना है, बताओ जरा इस पे एलाबोरेट करना. पहले राउंड में आई न्यू आई हैड टू डू एज मच एज आई कैन इन दोज 1.5 आवर्स सो दैट आई कुड रिवाइज द पेपर वेल इन द सेकेंड राउंड. क्योंकि मेरे फर्स्ट राउंड में गलतियाँ होती थी इसलिए मेरे को काफ़ी टाइम रखना होता था रिविजन के लिए. पूरा पेपर तो ऑब्वियसली नहीं रिवाइज हो पाता था. बिल्कुल. तो प्रायोरिटी बेसिस पे जैसे मेरे को पता था कि अगर बायोलॉजी उस पेपर में डिफिकल्ट है तो आई वुड रिवाइज दैट. अगर लग रहा था कि फिजिक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैंने ठीक से नहीं किया, तो आई वुड रिवाइज दैट. जनरली 2 सब्जेक्ट तो हो ही जाते थे. जैसे अगर मैंने बायो और केमिस्ट्री पहले किया तो वो दोनों जाते थे, फिजिक्स कई बार छूट जाता था. हाँ. या अगर मॉक टेस्ट में जैसे अगर बहुत ही ईजी पेपर आता था तो पूरा भी रिवाइज हो जाता था. अच्छा, कंप्लीट भी हो जाता था. हाँ, तो उसमें जैसे न्यूमेरिकल्स वगैरह को रीडू भी किया करते थे. हाँ, ये सब भी काम कैलकुलेशंस जो जहाँ हाँ, गलतियाँ हो सकती है लगता है कि right. या फिर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं जिसमें लगता है कि एक वर्ड कहीं छूट गया होगा या ध्यान से नहीं पढ़ा, तो देयर आई वुड रिवाइज. तो डबल चेक करना बहुत जरूरी है, राइट. लेकिन यार एक बात बताओ, अभी काफ़ी लर्नर इसको सुनेंगे, बोलेंगे यार ये 20 मिनट में केमिस्ट्री कैसे कर रहा है, आधे घंटे में बायो कर रहा है, तो क्या ये डे वन से तुम्हारे पास था ये स्ट्रैटेजी कि डे वन से तो नहीं हो पा रहा है? नहीं. तो इट इज़ ऑल अबाउट किस तरह से तुमने इस फीट को अचीव किया. शुरुआत में तो समय लग रहा होगा. शुरुआत में क्या होता है कि जब मॉक टेस्ट होते हैं तो पार्ट सिलेबस भी होते हैं, राइट. तो केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री मेजरली होता है 11th के बिगिनिंग में. उसमें तो 40-45 मिनट में वो केमिस्ट्री में ही लग जाते थे. तो बिगिनिंग से स्ट्रैटेजी तो बिल्कुल ही नहीं थी. जब इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक भी जुड़ जाता है तो दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अ मेजर पोर्शन ऑफ द नीट पेपर, राइट. राइट, तो देन इट्स ईजियर टू सॉल्व फास्टर एंड मोर टाइम कैन बी देन गिवन टू फिजिक्स. मतलब इस तरह की स्ट्रेटजी हम फुल मॉक्स की तरफ जब आएंगे तो हम ज्यादा डेवलप कर पाएंगे. आई डेफिनेटली वोंट सजेस्ट इट फॉर द पार्ट सिलेबस टेस्ट क्योंकि डिपेंडिंग ऑन चैप्टर यू हैव टू गिव डिफरेंट टाइम टू द क्वेश्चन, राइट. इसलिए मैंने क्लैरिफाई करवा लिया, नहीं तो तुम कहोगे काफी बच्चे ऐसे फॉलो करने लगेंगे और फिर होगा नहीं तो डीमोटिवेट हो जाते हैं, राइट. अच्छा, अब डीमोटिवेट की मैंने बात करी है तो काफ़ी बार ना यार प्रिपरेशन में अपने हाईस तो चल ही रहे होते हैं लेकिन लोज भी काफ़ी बार आते हैं, ना ही सिर्फ स्कोर्स की वजह से और भी एन नंबर ऑफ पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं उसके. क्या कभी तुमने ऐसा फेस किया इस 2 साल के टाइम फ्रेम में कि इन प्रिपरेशन लोज को लेकर के, और अगर किया तो कैसे फेस किया उसको? अगेन लोज जब आते थे तो पेरेंट्स प्लेड अ बिग रोल. दे ऑलवेज यूज टू टेल मी कि ठीक है अगर नहीं भी आता उतना अच्छा स्कोर तो इट डजंट मैटर, दिस इज नॉट द एंड. Especially mock test तो बिल्कुल ही नहीं है. Even NEET में अगर नहीं आता है then also it's not the end. There are many more things to life. But more important than managing the lows, I would say is managing the highs. Because I had a tendency to sometimes get overconfident when I was scoring higher. Okay. And उससे फिर बहुत steep fall होती थी. अगर ऐसा लगता था कि बहुत marks आ रहा है तो पढ़ना छोड़ देता था. और फिर बहुत पढ़ाई छोड़ दे रहे थे तुम ज़्यादा मार्क्स. छोड़ देता था in the sense कि उतना seriously नहीं लेता. Seriously नहीं थे, ठीक है. और वो natural बात है, किसी को भी लगता है कि इतना अच्छा हो ही रहा है तो हो ही जाएगा. लेकिन ऐसा होता नहीं है. Consistency maintain करना बहुत ज़रूरी है. वही चीज़ है ना कि यार reaching a top it somewhat easy. बट उसको मेंटेन करना असली गेम होता है, राइट. उसको मेंटेन डिफिकल्ट भी और बहुत बड़ी चीज़ है अगर तुम करने कर पा रहे हो तुम उसको, राइट. ठीक है. अच्छा, तो मॉक टेस्ट डीमोटिवेशन की तो हमने बात करी, ये बताओ कितने मॉक टेस्ट दिए थे नीट के लिए लगभग? टोटल प्रिपरेशन में से सम 200-300 मे बी. 200-300 मॉक टेस्ट. और मैं बात करूँ फुल मॉक्स की तो फुल मॉक्स की शुरुआत तुमने कब से करी थी? फुल मॉक्स, फुल सिलेबस आई थिंक जनवरी ऑफ दिस ईयर. जनवरी से स्टार्ट किया, जनवरी ले. हाँ, तो काफ़ी हो गए होंगे मेरे हिसाब से ना, काफ़ी मॉक्स हो गए थे. सिलेबस दिसंबर तक ही हो चुका रहा होगा. मुझे एक चीज़ बताओ यार, मॉक टेस्ट देना ही इनफ है 3 घंटे 20 मिनट का, कि उसकी एनालिसिस पर तुम्हारा क्या स्ट्रेस रहता है और हाउ टू एनालाइज अ मॉक पेपर? अगर मैं डायरेक्टली पूछूं एकदम, जैसा बच्चे मेरे से पूछते मैं तुमसे पूछ ले रहा हूँ भाई, हाउ टू एनालाइज अ मॉक पेपर? आई वुड से मॉक टेस्ट देने का तो कम ही फायदा होगा इफ यू डोंट एनालाइज इट, बिकॉज जब तक मिस्टेक्स नहीं पता चलेंगी तब तक यू कैन नॉट मेक एनी एक्शनेबल प्लान ऑन इट, राइट. तो व्हाट आई वुड डू वाज कि आई वुड सी ऑल द क्वेश्चंस, नॉट जस्ट द वंस आई गॉट रॉन्ग, इवन द वंस दैट आई हैड ट्रबल इन, कि क्यों ऐसा हो रहा है, कहीं पे लैकिंग तो नहीं है. अगर ऐसा लगता था कि कोई प्रॉब्लम है देन आई वुड रिवाइज इट. एंड आल्सो हैड अ मिस्टेक्स नोटबुक बेसिकली इन व्हिच आई रोट डाउन द थिंग्स दैट आई वाज आई थॉट दैट आई माइट मेक द मिस्टेक्स अगेन. ओके, तो सारे सब्जेक्ट्स की गलतियों का एक कॉपी तुम बनाया करते थे, ग्रेट. और वही मैंने नीट से पहले देख के एक बार किया था. बहुत बेनिफिशियल रहता है वो, उसको मिस्टेक कॉपी में बनवा था, डाउट कॉपी के नाम से कहता हूँ उसे. तो एक ही चीज़ है क्योंकि मान लो जो आता है वो तो आता ही रहेगा, लेकिन जहाँ गलती कर रहे हो ना, काफ़ी बार हम गलतियों को रिपीट करने लगते हैं. हाँ.
और जो प्रिपरेशन टाइम है इसमें एक बार गलती अफोर्डेबल है लेकिन दूसरी और तीसरी बार थोड़ा जो है ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, राइट। अच्छा, अब एक और चीज़ के ऊपर मैं आता हूँ कि हम 11th 12th कर रहे हैं, काफ़ी बार ऐसा भी होता है ना, बीट प्रिपरेशन में तबीयत खराब हो गई या कहीं कोई फैमिली फंक्शन है, कहीं निकल के चले गए, उस चक्कर में मान लो 3-4 दिन की क्लासेस छूट गई, बैकलॉग आ गया। अब हम आगे बढ़े और अब वो बैकलॉग तो है ही, लेकिन हम लाइव क्लास भी मिस करके वो बैकलॉग करने बैठ जाते हैं। इस चक्कर में बैकलॉग 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 एक्सपोनेंशियल हो जाता है एकदम से। क्या कभी ऐसा बैकलॉग वाली सिचुएशन आई तुम्हारे साथ? हाँ, हुई थी, लाइक यू सेड कि कभी बीमार पड़ जाते थे तो होता था। वो इसके लिए मैं क्या करता था कि जो टाइम देता था पढ़ाई के लिए रेगुलर क्लासेस के बाद उतना ही रखता था, उसके ऊपर और टाइम देना पड़ता था, ऐड करना होता था अगर ऐसा कोई बैकलॉग आ जाता था। लाइक क्लास से मैं आके अपना क्लास का रिवाइज करता था एंड देन सम एक्स्ट्रा टाइम आई वुड गिव टू दैट थिंग दैट आई हैड लेफ्ट टू रीड द थियरी टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस और उसी से कंप्लीट होगा। Unless you put in the extra number of hours for it, I don't think it's very possible to do. मतलब एकदम डायरेक्ट सा एकदम टू द पॉइंट बात बताई इसने बिल्कुल कि टाइम देना पड़ेगा अगर तुम्हें करना है तो यू हैव टू मैनेज द टाइम, राइट। तो टाइम मैनेजमेंट, अच्छा एक चीज़ बताओ टाइम मैनेजमेंट की जब बात निकली आई है तो, क्योंकि तुमने स्कूलिंग के साथ कोचिंग भी करी है और उसके साथ बोर्ड्स में क्या परसेंटेज रहा तुम्हारा? सेकेंड टर्म में 97.2%। दैट्स ग्रेट। तो स्कूल के साथ ये टाइम मैनेजमेंट क्राइसिस कभी आया तुम्हारे साथ कि यार बहुत हेक्टिक हो गया, आप क्या कर रहे हैं हम लोग ऐसी सिचुएशन? मोस्टली बिकॉज ऑफ कोविड हमारी ऑनलाइन क्लासेज ही थी, यहाँ तुम बच गए बिल्कुल। हाँ, तो वो काफ़ी मैनेजेबल हो गया था एंड प्लस माई टीचर्स आर वेरी सपोर्टिव। इफ आई नीडेड सम एक्स्ट्रा टाइम टू गिव एन असाइनमेंट और बिकॉज आई कुडंट अटेंड क्लास बिकॉज आई टू स्टडी, देन दे वर वेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट। तो आई फेल्ट आई वॉज वेरी ब्लेस्ड इन दैट मैनर। बट स्टिल ऐसा होता था, आई डिड ऑल्दो मतलब आई फोकस मोर ऑन माई सेल्फ स्टडी देन दैट, तो मैनेज हो जाता था मोस्टली। अच्छा, अब यार ऑनलाइन हो गया और ऊपर से टीचर सपोर्टिव हो गए तो मेरे हिसाब से सॉर्टेड ही है सिचुएशन। प्लस प्रायोरिटीज की बात है, माय प्रायोरिटी वाज टुवर्ड्स नीट, वेरी लेस टुवर्ड्स बोर्ड। ओके, लेकिन यार एक चीज तो रहता है ना कि एक बच्चों के मन में सवाल आता है, तुम सब काफी लोग ये सवाल पूछेंगे, मैं बता रहा हूँ पहले ही, कि हाउ टू मैनेज बोर्ड्स विद नीट, है ना, कि क्या डिफरेंस है तैयारी करने में। तो मेरे हिसाब से तो कोई खास डिफरेंस है नहीं, पर क्योंकि तुमने इतनी बड़ी फीट और भी अचीव करी और अभी जस्ट ही अचीव करी है तो इस पर तुम भी एक बार एलाबोरेट कर दो कि बोर्ड्स और नीट को लेकर के तुम्हारा क्या अप्रोच रहता है इन जनरल। अगर नीट के लिए पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में तो बोर्ड की प्रिपरेशन आई वुड से पूरी हो जाती है, राइट। जो थोड़ा बहुत आंसर्स लिखने की प्रिपरेशन होती है वो स्कूल में जो प्री बोर्ड एग्जाम या और कोई टेस्ट होते हैं वो उससे मेरी हो जाती थी। एज सच मैंने बोर्ड्स के लिए अलग से नहीं पढ़ा था, इंग्लिश और जो फिफ्थ सब्जेक्ट था आई हैड फिजिकल एजुकेशन, ओके, उसके लिए पढ़ने की जरूरत पड़ रही थी। तो बिफोर द एग्जाम ओनली आई वुड गिव सम टाइम से 2 or 3 डेज एंड आई वुड रिवाइज दैट, क्योंकि वो उतने हैवी सब्जेक्ट्स नहीं है इसलिए डिफिकल्टी ज़्यादा नहीं आती थी। ठीक है, तो मतलब मैनेजेबल ये कि एक अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊँ तो एक बड़ा सर्कल बनाता हूँ अगर मैं, तो वो बड़ा सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि नीट की तैयारी और उसमें बोर्ड से एक छोटा एलिमेंट आ जाता है और दैट इज मैनेजेबल, राइट। ट्रू। ठीक है, तो इन सब बातों पर तो हो गई डिस्कशन, अब हम आते हैं एक और एस्पेक्ट के ऊपर कि यार पेपर से 1 महीने बचे हैं, इस लास्ट 1 महीने में प्रेशर इनफिनाइट लेवल पे जा चुका होता है ना, कि अब क्या होगा, 2 साल का टाइम फ्रेम है, सारा रिजल्ट इस 1 महीने पर डिपेंड करता है, पेपर भी आ रहा है और नीट में जैसी अनसर्टिनिटी है, कभी फिजिक्स ऊपर आ जा रही है, अब की बार देखो बायो अचानक से वाइल्ड कार्ड एंट्री थी, है ना, लास्ट 2 साल का ट्रेंड देखोगे तो लग रहा था बायो क्या ही आ रही है, अब तुम देखो क्या हो गया। तो इन सारी अर्थ से अनसर्टेनिटीज, इन सारे प्रेशर के बीच लास्ट 1 महीना तुमने कैसे मैनेज किया? लास्ट 1 महीने में एक्चुअली जैसे आपने बोला प्रेशर तो बहुत हाई हो जाता है और स्ट्रेस लेवल इज अनइमेजिनेबल। ऑन द डे ऑफ द एग्जाम आल्सो इट्स मच मच मोर देन आई वाज मच मच मोर देन आई थॉट, आई वाजंट एबल टू हैंडल इट वेरी वेल ऑनेस्टली, बट उसमें थोड़ा सा माइंडसेट की बात आती है कि यू कांट गो इनटू द एग्जाम थिंकिंग कि 720 ही लाना है या एक कोई सेट नंबर ही लाना है। अगर अपने लिए ऐसे एक्सपेक्टेशंस रखते हो तो उनको फुलफिल करने में काफ़ी डिफिकल्टी होती है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस दैट यू फेस, राइट। तो आई हैड बीन एडवाइज्ड बाय माय एल्डर ब्रदर स्पेशली स्ट्रेस्ड ऑन दिस फैक्ट दैट आई कांट गो इनटू द एग्जाम विद एनी एक्सपेक्टेशंस, ओके, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस होती है, लगता है कि मॉक टेस्ट में आता था इतना तो इतना नीट में भी आना चाहिए, बट दैट्स नॉट द राइट वे टू गो अबाउट इट। I would say कि expectations रखो लेकिन थोड़ा reasonable रखो and realize कि exam day पे कुछ भी हो सकता है, it's not set कि जितना mock test में आ रहा था उतना ही आएगा। हाँ, तुम्हारी क्या expectation थी? मेरी थी जैसे I used to score about this much only in mock test towards the end, तो -20 marks I would keep। अच्छा, इतना like margin of error लेके चलते थे। 680 के approx I thought कि neat में आ जाना चाहिए। उससे थोड़ा सा humble estimate रखने से it's a bit easier to go about the exam। बहुत अच्छी बात कही तुमने, बिकॉज
जब कोई बच्चा तैयारी शुरू करता है ना तो वो 720 बोल के शुरू करता है, हाँ। है ना, कोई तुमने भी करी होगी, सब करते हैं एक बार, है ना, लेकिन वो आते आते रियलिटी को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। और जो तुमने मार्जिन ऑफ एरर लिया, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हाँ इतना मान लिए, तब जब उतना हम अंदर से हम्बल डाउन हो जाते हैं ना, शांत हो जाते हैं, मन शांत हो जाता है, तो अपना बेस्ट अप्रोच निकल करके आता है। अच्छा, लास्ट एक महीने में क्या कर रहे थे ये बताओ, ज़्यादा थियोरी पढ़ रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, मॉक टेस्ट दे रहे थे? मॉक टेस्ट मेजरली ऑलमोस्ट 4 a week, 4 or 5. 4 or 5 mocks a week. हाँ, all the last 2-3 weeks में bit less. Okay. Apart from that, I would revise the points that I found difficult or that I thought I hadn't done up to the mark. And yeah, theory mainly जो मैंने skip की हुई थी, वो end में भी पढ़ ली थी, क्योंकि skip भी की थी तुमने theory? हाँ, की थी. किसमें? जो चीजें मेनली अच्छी नहीं लगती थी, जैसे फिजिक्स की एनसीईआरटी में, मैकेनिक्स स्पेशली, कुछ थोड़ा सा बोरिंग सा लिखा भी है, मतलब आई वुड से वेरी फ्रैंकली कि बहुत गंदे से लिखे हुए हैं एनसीईआरटी में कुछ चैप्टर्स, बिल्कुल फिजिक्स के, तो वो पढ़ने का मन ही नहीं होता था, एंड पढ़ने भी लगता था कि क्या टाइम वेस्ट हो रहा है, बट ऐसा है नहीं, उसमें काफी कुछ लिखा रहता है जो कि इंपॉर्टेंट भी होता है। ये तुमने पढ़ने के बाद रियलाइज किया? हाँ हाँ, वैसे है बड़ा बोरिंग, 12th का बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, 12th का अच्छा लिखा, 12th का मॉडर्न बहुत अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन जो 11th का पोर्शन है थोड़ा अलग ही भाषा में चलता है, वो पर्टिकुलर पार्ट, ठीक है, तो ये काम तुमने किया बिल्कुल। तो यार अब हम एग्जाम डे के ऊपर आते हैं, दी डी डे। अब एक महीने का प्रेशर तो ठीक है, जैसा तुमने बताया लास्ट डे पे, तो वो प्रेशर अब सबका सब एकदम कंपाउंडिंग इफेक्ट लग जाता है एक महीने का, और अल्टीमेट प्रेशर फेस कर रहे हैं, तो उस टाइम फ्रेम को कैसे मैनेज किया? एग्जाम से एक दिन पहले क्या कर रहे थे? पढ़ रहे थे बैठ के कि यार ये भूल रहे हैं, ये भूल रहे हैं, ये कर रहे थे कि नहीं यार हम कॉन्फिडेंट हैं, हमको सब आता है, ये कर रहे थे? व्हाट वेर यू डूइंग एग्जैक्टली वन डे बिफोर एग्जाम? ऑनेस्टली एग्जाम से एक दिन पहले तो आई वॉज वेरी नर्वस। जो टॉपिक्स, जैसे आई रिमेंबर कि आई वॉज स्टडिंग फ्रॉग वाली टॉपिक, और वो तो नीट के सिलेबस में भी नहीं है, नहीं है मेरे को, लेकिन लग रहा था कि एनसीईआरटी में कहीं आ गया तो, तो वो थॉट रहता है कि कहीं ये आ गया तो नहीं आएगा, नहीं हो पाएगा, तो दैट्स अ बिट स्कैरी, बिल्कुल कुछ छूट ना जाए वाली, कुछ छूट ना जाए, बट देन लाइक माय मदर, शी केम एंड देन टुक मी आउट फॉर अ मूवी, आई वेंट टू गेट द एग्जाम आउट ऑफ माय हेड। अच्छा, तो एग्जाम से पहले मूवी देखने? हाँ, कौन सी मूवी देखने? आई थिंक इट वाज थॉर लव एंड थंडर। अच्छा, ओके, ग्रेट, उसी तभी रिलीज हुई थी। तो द पॉइंट ऑफ द मूवी वाज दैट आई वुड गेट माय माइंड ऑफ द एग्जाम, बिकॉज़ स्ट्रेसिंग अबाउट इट इज नॉट गोना हेल्प, राइट, एंड एज फार एज द एग्जाम डे इज कंसर्न्ड, दैट स्ट्रेस वाज इवन मोर। But somehow after entering the center, when I saw ki everybody around me is also feeling the same more or less, then it was a bit calming for me. Achha, usse tumhe achha laga. So before the exam, after I went in, I was very calm. Okay, वहाँ तो और भी माहौल है ना, लोग किताबें लेके टहलते टहलते पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये वाली भी। अच्छा, अब एग्जाम डे के ऊपर आते हैं, एग्जाम डे में तुम्हारे सामने पेपर है, यूजुअली तुम अप्रोच कैसे कहते थे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स, तो ये तुम्हें डे वन से तुम्हें पता था यही करना है कि नहीं? इवेंचुअली डेवलप्ड इट? नहीं, मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किया था, मैं फिजिक्स भी कई बार पहले करता था, कई बार केमिस्ट्री भी करता था, कई बार आधा बायो करके फिर केमिस्ट्री पे आके वैसे भी करता था, तो दोस टेक्निक्स डिडंट वर्क आउट फॉर मी एट ऑल। ट्राई लेकिन तुमने सब करा? ट्राई मैंने मोरल सब किया था। और ये लगभग हम सभी टॉपर से सुनते हैं कि एक्सपेरिमेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबकी स्ट्रेटेजी डिफरेंट हो सकती है, हो सकता है किसी का फिजिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो, बायो से बहुत पहले बन जाए, है ना, तो अपना बेस्ट जो है पकड़ना जरूरी है कि कहाँ पर आप बेस्ट स्टैंड कर रहे हो, और हर एक्सपेरिमेंट करोगे तो बेस्ट निकलेगा, और वो मॉक टेस्ट से ही आता है। तो फाइनली तुमने एग्जाम में क्या करा? Biochemistry physics and then I filled the entire OMR at the end. एक साथ तुमने सारा OMR भरा? हाँ, बिल्कुल। से पेपर के बीच में कभी ऐसा लगा कि यार ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा, इस बार बायो में बहुत लेंदी पेपर था अगर मैं कहूँ तो, कंपेरेटिवली काफी एनालिटिकल पेपर था, assertion reason format थे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, कोई ऐसा सवाल जिसने बहुत टाइम खाया हो? प्लांट एनाटॉमी का एक क्वेश्चन था जो बोनस होने जो वाला बोनस था। होने वाला था, नहीं हुआ था। आई थिंक आई स्पेंट एटलीस्ट 15 टू 20 मिनट्स ऑन दैट। सबने बहुत, क्योंकि उसमें हम पेपर एनालाइज कर रहे थे, हम भी सोच रहे यार ये ऑप्शन ही नहीं बैठ रहा है इसमें। हाँ, उसमें पता ही नहीं चल रहा था कि कौन सा बनेगा, बट इन द एंड आई गॉट दैट वन करेक्ट, क्योंकि आई था कुछ लैंग्वेज में मेरे को ठीक नहीं लग रहा था, तो लगा कि अगर गेस करना है तो यही वाला गेस कर लेता हूँ। एज सच कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं था, बट हाँ, इट केम डाउन टू द फैक्ट दैट आई गेस्ड इट राइट, नथिंग मोर देन दैट। हाँ, तो यार जब ऐसे क्वेश्चन ना एग्जाम हॉल में 15 से 20 मिनट ले लेते हैं, चाहे हमारा किसी भी स्टेज पे हम रहे हों, चाहे हम 720 क्यों ना ला रहे हों पिछले 10 मॉक टेस्ट में, एक बार तो लगता है कि अब की बार पेपर भाई साहब सॉलिड आया है। हाँ, और अब की कुछ भी हो सकता है, क्या ये सिचुएशन थी पेपर में? हाँ बिल्कुल, मेरे को लग रहा था कि बायो मेरा जनरली अच्छा जाता था, तो जब इतना, और तुमने कहा आधे घंटे में कर रहे थे और एक क्वेश्चन यहाँ 15 मिनट ले लिया, तो I took some total 40 or 45 minutes in bio, which I usually used to take half an hour. तो उस पॉइंट पे तो मेरे को लगने लगा कि अब तो नहीं हो पाएगा,
बट जब मैं केमिस्ट्री बनाया फिर फिजिक्स पे आया, फिजिक्स वाज रिलेटिवली इजीियर, देन दैट फीलिंग वेंट अवे एंड आई वाज एबल टू रिवाइज द सेकंड टाइम ओवर वेरी वेल. सेकंड टाइम भी तुमने किया, तो पूरा पेपर कितनी देर में बना तुम्हारा? फर्स्ट टाइम अराउंड 1 hour 40 minutes. ओके एंड देन सेकंड टाइम व्हेन आई रिवाइज्ड आई बिलीव आई हैड सम 35 मिनट्स लेफ्ट एट द एंड टू फिल द ओएमआर. दैट्स रियली ग्रेट. अच्छा, ओएमआर फिलिंग में तुमने लास्ट में सारा ओएमआर भरा. काफी बच्चे ना एक चीज में और गलती करते हैं, ओएमआर बबलिंग में भी लोग गलतियां कर जाते हैं. हाँ. तुम्हारी कोई टिप और एडवाइस कि ओएमआर बबलिंग की गलती को कैसे रोकें? व्हाट आई वुड डू कि एक सेक्शन उठाता था, जैसे फिजिक्स का सेक्शन है या सेक्शन भी जो भी है, उसमें आई वुड मार्क स्मॉल डॉट्स ऑन द ऑप्शंस दैट आई वाज सपोज्ड टू मार्क. अच्छा, पेपर पे ओएमआर पे. हाँ, जैसे एक सेक्शन का किया, फिर आई वुड रिवाइज कि मैंने डॉट्स ठीक मारे और फिर उसको भर देता था एंड में. अच्छा. उससे गलती करने के चांसेस नेग्लिजिबल हो जाते हैं. बिल्कुल. और ये टेक्निक मैंने लास्ट मंथ में ही स्टार्ट की थी. इवॉल्व करी तुमने नई टेक्निक. अच्छा, मतलब सीखी थी. ठीक है, ग्रेट. तो डॉट्स लगा करके काम बड़ी आसानी से बन जाता है. ठीक है, दैट्स रियली ग्रेट. और मेरे हिसाब से हमने लगभग हर एक एस्पेक्ट को टच करा है. एक बात बताओ, अगर इस प्रिपरेशन टाइम फ्रेम में मैं तुमसे पूछूं कि सबसे इम्पॉर्टेंट रोल किसका था, सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ मोटिवेशन तुम्हारा कौन था, तो कौन होगा वो और किसको क्रेडिट दोगे तुम इसका? Honestly, I can't say. I mean, इतने सारे लोग थे, parents थे, बड़े भाई था, my twin brother also, he also prepared with me. अच्छा, तो उसका भी इस बार college ही जा रहा है? हाँ. बहुत बढ़िया. तो they were all very helpful, even my teachers were very helpful. तो I can't exactly pinpoint who helped me the most. It's unfair to say at least. So for everyone, whosoever was part of this. Definitely, definitely. Like that. I had a lot of support from people. That is really, really, really great. तो यार, हमने काफ़ी सारी चीज़ों पर बात करी. अब हम एक बहुत ही स्पेशल सेक्शन ऑफ CDWT पर चल रहे हैं जिसको हम कहते हैं रैपिड फायर. तो अभी तक तुम क्वेश्चंस बहुत जल्दी जल्दी किया कर रहे होगे. यहाँ पर मेरे पास भी कुछ सवाल हैं जिसके तुम्हें खूब फटाफट जवाब देने हैं. ठीक है, तो ऑल सेट हो सवालों के लिए? ठीक है, सोचने का ज़्यादा समय नहीं मिलेगा. और मैं पहले बता दूँ, इस रैपिड फायर सेक्शन में काफ़ी लोग सोचने में मजबूर हो जाते हैं. तुम मत होना, देखते हैं तुम कितना जल्दी बताते हो. तो पहला सवाल, whom do you rely when you are stressed? A person. My parents. Parents, okay. Who is your role model? I would say my elder brother. अच्छा, आगे, which is your most memorable moment till now? Most memorable, अभी तक. Well, exam day के बाद, I would say when I checked my marks. That's great. हाँ, बहुत stress free लगा भाई, दो साल की तैयारी, शांति. ठीक है. बहुत relieved. हाँ, and तुम्हारी favorite book या कोई movie character? Favorite book. Not now, but earlier I liked reading Percy Jackson series. I really liked that. Okay. And how your parents describe you in one word? अगर मैं पूछूँ तुम्हारे मम्मी पापा से कि इसको एक वर्ड में describe करो. They would say driven. Okay. And what your favorite hobby? My hobby? Badminton. Badminton खेलते हो, great. And a celebrity you would like to have dinner with? ये बताओ. Victor Axelsen, he's a badminton player. Okay, that's great. And what do you think will be your element? It's a philosophical question. I'm giving you options. What do you think will be your element? Fire, water, earth, air or space? It's a depth question. Fire. Fire. Any specific reason? Not as such. As such, ki fire in me, aisa kuch. I guess. Okay. And last one would be a word to describe your own personality. I'm competitive, I would say. Very competitive. Yeah, that I can see. ठीक है, so that was really amazing. What's? So तुम्हारे लिए gift है हमारी तरफ से. ठीक है, so यार ये लो. Thank और you. इसमें काफी सारा कुछ है, चॉकलेट्स वगैरह है, मस्त खाओ एकदम. और इतना शानदार रिजल्ट, many many congratulations. Thank you so much. And this brings us to the end of this super 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 informative, amazing और मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा सीखने वाला interview. और हर चीज़ को रॉ तरीके से रखा गया कि जो है वो है. इसमें कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं कही गई कि अगर पढ़ क्या नीट का एग्ज़ाम कैसे क्रैक होता है. अगर सिंपलेस्ट टर्म में इसको सफाइज करूँ तो पढ़ लो, है ना. याद कैसे होता है तो मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो, एज डायरेक्ट एंड एज डायरेक्ट एज डैट. ठीक है, आई होप आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा. अच्छा, बिफोर आई एंड दिस, हमारे यहाँ पर एक खास सेक्शन होता है जिसको हम कहते हैं टाइगर टॉपर. तो तुम्हारे काफ़ी सारे बैचमेट्स रहे होंगे, दोस्त रहे होंगे, उनका भी कोई बहुत अच्छा या उनकी स्टोरी, जिनकी स्टोरी तुम चाहते हो यहाँ पर आकर के हम सुने, हम सबको बताएं उनकी स्टोरी. टैग योर फ्रेंड जिन्हें तुम अगले CDWT के सेक्शन में देखना चाहते हो. फ्रेंड ऑफ माइन हु आल्सो क्लियर्ड नीट दिस ईयर, मयंक यादव. आई प्रिपेयर्ड विद हिम फॉर द पास्ट 2 इयर्स, ही वाज अ बैचमेट ऑफ माइन. सो या, आई वुड लाइक टू टैग हिम. ओके, दैट्स ग्रेट. एंड होपफुली
बहुत जल्द अगले किसी CWT के राउंड में हम उसको यहाँ पर पाएंगे। एंड यार एक और चीज़ मुझे बताओ, मुझे क्या बताओ, हमारे सारे एस्पिरेंट्स को बताओ जो भी नीट किसी भी आने वाले साल में देने वाले होंगे, वन मैसेज टू अचीव सच अ ग्रेट रिजल्ट, वन मैसेज टू ऑल द नीट एस्पिरेंट्स। तो आई वुड से पुट इन द हार्ड वर्क एंड कीप अ लिटिल बिट ऑफ बिलीफ इन योरसेल्फ दैट इट विल वर्क आउट एंड everything has a reason. I mean, NEET is not the end, but definitely if you put in the hard work and you're sincere and consistent, then you'll get there. That is, on that note, I would like to यहाँ पर हम इसको wind up करते हैं। बहुत अच्छा लगा यार तुमसे बात करके, and बहुत ही सुंदर story है और बहुत ही, मतलब जिसको कहेंगे ना authentic, बहुत ही authentic तरीके से तुमने चीज़ों को यहाँ पर रखा, and I hope आपने सबने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। Make sure ये story आप सब तक पहुँचाओ, because इतना इलाबोरेट डिस्कशन अगर आपके सामने रहता है तो मेरे हिसाब से अगर आप अभी नीट 2023-24 किसी भी साल की तैयारी कर रहे हो, आपके सामने पूरा का पूरा गेम प्लान, प्रिपरेशन प्लान इस इंटरव्यू के थ्रू आपके सामने आता है। मेक श्योर यू आर शेयरिंग दिस विद एवरीवन। एनी फीडबैक्स, एनी सजेशंस, एनी क्वेश्चंस यू हैव, ड्रॉप इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो को लाइक कर दें एंड ऐसे ही शानदार 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 इंटरव्यूज के लिए सब्सक्राइब टू कैमल टीवी टॉपर्स। लेट्स क्रैक इट।